हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पे BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। पूरा जानकारी देने वाला हूँ, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, पूरा जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए और कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी जानकारी दे दूँगा। और ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वीडियो के एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग BHEL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिव लिमिटेड, इसरो, DRDO, कई सारा अच्छा अच्छा गवर्नमेंट जॉब रिगार्डिंग पल पल का अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों। उसके साथ आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, उधर से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, आप कोई भी इशू हो रहा है मैसेज कर सकते हो, घर बैठ बैठ के वीडियो देख के दोस्तों तैयारी कर सकते हो। टेक्निकल जॉब रिगार्डिंग, नॉन टेक्निकल जॉब रिगार्डिंग मैंने MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके वीडियो देख के तैयारी भी जरूर कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे BHEL के तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकला है वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, तो दोस्तों BTech और डिप्लोमा वालों अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों देख लीजिए, मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा बता दूंगा। यहाँ पे दो जगह में वैकेंसी निकल के आया है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स हरिद्वार के तरफ से वैकेंसी निकल के आया है 250 ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस। यहाँ पे BHEL बेंगलोर के तरफ से यहाँ पे 320 वैकेंसी निकल के आया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को नीचे लेके चलता हूँ, कहाँ से कितना है यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, BHEL अप्रेंटिस ये हरिद्वार का रिक्रूटमेंट ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो जॉब्स रूल है, यहाँ पे देख सकते हो टेक्नीशियन ग्रेजुएट जो BTech वालों अप्लाई कर सकते हो, टेक्नीशियन जो डिप्लोमा वालों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख सकते हो BE और BTech और डिप्लोमा, और टोटल वैकेंसी है 250। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिस जो है एक साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग के बाद आप कोई भी सेक्टर में जा रहे हो तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगा ज्वाइनिंग करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे सैलरी मतलब स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड मतलब BE BTech के लिए आपको 6000 स्टाइपेंड मिलेगा और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 4000 स्टाइपेंड मिलेगा दोस्तों। ये आपको रहने खाना हो सकता है इतने में। और जॉब लोकेशन जो है, जॉब लोकेशन मतलब ट्रेनिंग है उत्तराखंड हरिद्वार में लिया जाएगा। लास्ट डेट है 7 नवंबर, 7 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो डिप्लोमा कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन वही बताया जा रहा है कि नोट यहाँ पे सक्सेसफुली पास्ड विथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिसिप्लिन, मतलब ब्रांच वाइज भी नीचे दिया गया है। एज लिमिट के बात करेंगे तो एज लिमिट दोस्तों देख सकते हो 18 से 27 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम एज 27 ईयर। और दोस्तों एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो, एज रिलैक्सेशन क्या होता है, आपकी थोड़ा छूट मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो 3 साल OBC के लिए, SC ST के लिए 5 साल, और यहाँ पे PWD फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें से ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो BE BTech के लिए यहाँ पे 158 रखा गया है दोस्तों BE BTech के लिए, और मैकेनिकल के लिए 101 वैकेंसी निकल के आया है, और इलेक्ट्रिकल के लिए 35 है, सिविल के लिए 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 11 वैकेंसी है, और दोस्तों कंप्यूटर में 3 वैकेंसी है, मेट्रोलॉजी में 3 है, और केमिकल में 2 वैकेंसी है। ये जो है जितना वैकेंसी है ये दोस्तों BE BTech के लिए, बैचलर इन टेक्निकल और यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के वैकेंसी है। उसके नीचे जो वैकेंसी है ये दोस्तों टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ये टोटल 92 वैकेंसी है पर यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए। मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा है, मैकेनिकल में 50 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल में 18 वैकेंसी है, और दोस्तों सिविल में 3 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर में 1 वैकेंसी है। उसके बाद आपको ऑफिशियल मैनेजमेंट, ये सारे स्टेनोग्राफर में ये 17 वैकेंसी है टोटल। दोस्तों यहाँ पे नीचे जाओ तो आपकी ड्यूरेशन रहेगा, ट्रेनिंग ड्यूरेशन 12 मंथ मतलब 1 ईयर आपको ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा।
BHEL रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको मतलब ज्वाइनिंग दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लिंक क्लिक कीजिए और ऑफिशियल जो एड्रेस है यहाँ पे दिया गया है। इसका लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों, ऑनलाइन ओपनिंग हुआ है 22 अक्टूबर को और लास्ट डेट 7 नवम्बर तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिशिंग हार्ड कॉपी सेंड करना पड़ेगा आप लोग को, ऑफलाइन में हार्ड कॉपी सेंड करना पड़ेगा और हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस को आपको भेजना पड़ेगा। और आप लोग को मैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी दिखा दूंगा, आप लोग को ऑफिशियली नोटिफिकेशन को लेकर चलता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 12-12 को डिक्लेयर किया जाएगा, डेट ऑफ इंटरव्यू 21-12 को और 21-12 से शुरू करके 27-12 तक चालू होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस डेट 4/1/2019 को और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 16/1 को, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिया गया है आपकी जो एग्जाम रिगार्डिंग और ज्वाइनिंग रिगार्डिंग। उसके बाद दोस्तों बैंगलोर की भी वही BHEL का अप्रेंटिस है, 320 है दोस्तों, बेंगलोर में भी वही लास्ट डेट रखा गया है 31 अक्टूबर को दोस्तों, 31 अक्टूबर में बेंगलोर में लास्ट डेट है। और अगर अप्लाई करना चाहते हो उससे पहले आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। और एज लिमिट वही एज लिमिट रखा गया है 18 से 27, ये जो बात कर रहा हूँ बेंगलोर के बात कर रहा हूँ, वही एज रिलैक्सेशन जैसे ही इससे पहले था इसका भी ऐसे ही है। और जो आपकी ड्यूरेशन रहेगा 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने बेंगलोर के लिए भी लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक को क्लिक कीजिए, आप ऑफिशियली वेबसाइट में पहुँच जाओगी। मैं आप लोग को ऑफिशियली वेबसाइट को लेकर चलता हूँ, उधर आप लोग को थोड़ा दिखा दूंगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये जो है हरिद्वार का वैकेंसी है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस फॉर फेब्रुआरी 2019 बैच के लिए। यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, हिंदी फॉर्मेट में दिया गया है, यहाँ पे इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लिक कर रहे हो तो आपकी डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिए, पूरा हिंदी में लिखा गया है। आपकी जो मैंने बताया आपकी वैकेंसी वगैरह, इसी में वही वैकेंसी वगैरह दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया गया है, स्टाइपेंड कैसे कितना मिलेगा। और आपकी जो BE BTECH जो है आपके वो 70% मार्क होना चाहिए, आपकी फर्स्ट क्लास मार्क होना चाहिए। और उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, और दोस्तों इसका एड्रेस भी दिया गया है, इसी एड्रेस में आपको सेंड करना पड़ेगा आपकी ऑफलाइन चैलेंज। और अप्लाई करने के लिए आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो डेट मैंने बताया वही डेट पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में, ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो, नहीं तो आप ऑफिशियली वेबसाइट को जा सकते हो, ऑफिशियली वेबसाइट में भी देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट वगैरह। अप्लाई पार्ट वन को यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, अपलोड फोटो, ये पार्ट टू है दोस्तों, पार्ट वन को आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा, पार्ट वन को इसको आप क्लिक कर रहे हो तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे पहुँच जाओगी ऑफिशियली जो अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया है। इस लिंक में क्लिक करने के बाद आप ये सारे इंफॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा, भरने के बाद आपकी सबमिट करोगी पार्ट वन, और उसके बाद पार्ट टू में आपकी फ़ोटो वगैरह ये सारे दिया गया है। तो इस तरीके में आप अप्लाई कीजिए दोस्तों, और अप्रेंटिस ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहता है। अगर अप्रेंटिस कर रहे हो उसके बाद आप लोग के लिए चांस मिल जाएगा कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइनिंग करने के लिए। दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।